लिविक में तो आ गया यार, पर यहाँ ना तो मेरे पास घर है ना कोई बिजनेस। मेरे पास तो बस इतने से ही उसी है कि 4-5 दिन रह पाऊँ यहाँ पे आराम से, और कोई रहने के लिए जगह ढूंढनी भी पड़ेगी। पर उससे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि इरेंगल की तरह यहाँ पर भी किसी गुंडे का दबदबा तो नहीं। उससे पूछता हूँ, एक बंदा जा रहा है। अरे सुनो भाई, रुको रुको यार, मैं नया हूँ यहाँ, कुछ बताओगे यहाँ के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद भाई इतनी जानकारी देने के लिए। तो यहाँ का डॉन है गोल्डन मैन, इससे तो मिलना पड़ेगा। चलो अबे देख, करना चलानी आती क्या गाड़ी तुझे? नया है क्या? पता नहीं यहाँ कैसे रहना है। माफ करना भाई, मैं नया हूँ, कल ही आया हूँ इरेंगल से। इरेंगल से? हाँ भाई, मैं इरेंगल में रहता था, वहाँ कुछ गुंडों ने मेरी फैक्ट्री पर कब्जा करके मेरे को वहाँ से भगा दिया। किसने? काला दी गैंगस्टर ने क्या? आप कैसे जानते हो उसको भाई? आप भी इरेंगल से ही हो क्या? मैं भी इरेंगल पर राज करता था, पर वहाँ से सब बेच कर मैं यहाँ आ गया और सारी चीजें ले ली, और पूरा लिविक मेरा है। अगर मैं गलत ना हूँ तो आप ही गोल्डन मैन है क्या? हाँ मैं ही गोल्डन मैन हूँ, द किंग ऑफ लिविक। अरे सर, बिग फैन लिविक में आती, आपके बारे में बहुत सुना लोगों से मैंने। वैसे सर, माई सेल्फ गब्बर, मेरे इरेंगल में बिजनेस था नई नई गाड़ियाँ डिजाइन करने का। इरेंगल की जितनी भी गाड़ियाँ आई है ना, US, डासिया, बाइक, वो सब मेरी फैक्ट्री में बनी थी। बनी थी मतलब? अब नहीं बनती, ओ उस पर तो कब्जा कर लिया किसी ने। कोई बात नहीं, तुम सही बंदे लगे मेरे को, पूरा लिविक मेरा है, मेरा नाम लेकर तुम कहीं भी रह सकते हो। आज से तुमको काम कर ला है मेरे लिए। अगर इसकी जगह मैं होता तो लिविक मेरा होता, क्यों ना इसको ही टपका दूं। हेलो, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर, पर आपकी गाड़ी का टायर तो पंचर है, वो पीछे वाला, जाओगे कैसे? क्या बात कर रहे हो, कौन सा, सब ठीक तो है? क्या सर, इतने बड़े आदमी हो, बिना सिक्योरिटी के रहते हो, और वो भी मेरे जैसे गुंडे के सामने, ऐसे कैसे चलेगा सर? लिविक के डॉन की भी पेटी बना दी, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। पर दंगल तो अब होगा जब गब्बर बनेगा गोल्डन मैन, और रियल गोल्डन मैन तो टपक चुका है, ये किसी को पता ही नहीं है। सुनो भाई डॉक्टर, ये देख रहे हो ना तमंचा, खोपड़िया में घुसा देंगे बता रहे हैं। जल्दी से हमारी प्लास्टिक सर्जरी कर दो, मुझे गोल्डन मैन जैसा बना दो, सेम टू सेम। अगर ऐसा नहीं हुआ ना बबुआ, तो तेरी डॉक्टर की डिग्री को हम आग लगा देंगे बता रहे हैं। एंड फाइनल लुक हमारा बदल चुका है, गोल्डन मैन बन गए हम। अब लिविक का डॉन कौन हुआ? वो भी मैं। मजा आ गया भाई, बिल्कुल वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जज्बात नहीं शक्ल बदल दी। अब तो मैं करोड़पति हो गया, गोल्डन मैन की सारी प्रॉपर्टी, गाड़ी, बैंक बैलेंस, बंगला, मेरा, सिर्फ मेरा। अब तो मैं काला जी गैंगस्टर से मेरी फैक्ट्री भी वापस ले सकता हूँ। अब टाइम है रिवेंज का, बैक टू इरेंगल। अरे गोल्डन मैन, तू यहाँ? अच्छा किया तू आ गया, नहीं तो मैं ही आ रहा था लिविक तेरे को मारने। कहा गए ना धोखा, मैं गोल्डन मैन नहीं हूँ, गब्बर हूँ। आपके वहाँ से भागने के बाद मैं लिविक चला गया था, वहाँ मैंने गोल्डन मैन को मारकर उसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली, और प्लास्टिक सर्जरी से उसके जैसा फेस बनवा लिया। अच्छा अच्छा, मैं भी सोचू गोल्डन मैन इरेंगल कैसे आ गया, और वो भी सीधा मेरे घर पे। मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी है काला भाई, अकेले में। चलो सब निकलो यहाँ से।
बोलो अब। काला भाई मुझे मेरी फैक्ट्री वापस चाहिए बस। आप जितने भी उसी मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ, पर आप मुझे फैक्ट्री दे दो, वहाँ मैं नई नई गाड़ियाँ बनाऊंगा, आपको भी नई नई गाड़ियाँ मिलेंगी फ्री में। अपनी गाड़ी पकड़ और लिविक में भाग ले, नहीं तो मार मार के तेरा फेस वापिस गब्बर वाला बना दूंगा। कोई फैक्ट्री नहीं बेचनी मेरे को, चल दफा हो यहाँ से। काला भाई फायदे का सौदा है, आप शायद भूल रहे हो गोल्डन मैन की प्रॉपर्टी कितनी थी, पूरा लिविक ले रखा था उसने। अच्छा फिर एक काम कर ले, पूरा लिविक मेरा और तेरी फैक्ट्री दू वापिस ले ले। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए, पूरा लेविक जाएगा एक फैक्ट्री के बदले। तू एक काम कर, जा तू अब, कल तेरी फैक्ट्री में मिलेंगे, 10 बजे आ जाना, वहीं डील करेंगे जो होगी। चलो ठीक है, जैसा आप ठीक समझो। हाँ भाई गब्बर, या मैं कहूँ नकली गोल्डन मैन, आ गया तू, क्या सोचा फिर तूने? भाई पूरे लिविक के बदले में फैक्ट्री, ये घाटे का सौदा है, मुझे नहीं लेनी फैक्ट्री, आप रखो मैं चला वापस लिविक में। एक और ऑफर तेरे लिए, तूने गोल्डन मैन को मारा ये बड़ी गलती कर दी यार तूने, वो मेरा शिकार था, तुझे नहीं मारना था यार उसको, वो तो नहीं रहा पर। नहीं 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 भाई ऐसा मत सोचना, मुझे मत मारना। मुझे तो गोल्डन मैन को मारना था, चाहे वो रियल वाला हो या फेक, उसकी सारी चीज़ें मेरी हो जाएंगी अगर वो नहीं रहेगा तो, और साथ में गब्बर की भी, अगर गब्बर भी मर गया तो। चल बाय बाय, निकल तू अब, टाइम आ चुका तेरा। अब तो काला दी गैंगस्टर की इन्वेंट्री की वीडियो डालूंगा, करोड़पति काला दी गैंगस्टर।